आपने गांधी जी को एक खत लिखा था 1948 में, उसका जवाब आ गया था। आपने लिखा था, मेरा मन कचोट रहा है, मैं क्या करूं। उसका जवाब उसी समय आ गया। गांधी जी का जवाब था, प्रिय किशन, तुम्हारे देखा मैं समझ सकता हूँ, पर एक अच्छा भारतीय बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। अच्छे बेटे तो तुम लग ही रहे हो, अब एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पति, एक आदर्श पिता बनो और अच्छे मूल्यों से जुड़ो। संघर्ष और सेवा तो हर व्यवसाय कर्तव्य होगी और हमारे शिशुमान देश को उसकी आवश्यकता भी है। कोई भी उद्योग करो, कार्यकर्ता बनो या बस श्रम करते जाओ, चाहे कोई छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, कोई भी कार्य छोटा या कम महत्व का नहीं होगा। सत्य और सत्मार्ग की ओर किया गया काम देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। निरंतर पढ़ते रहो, मूल्यों का पाठ पढ़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो। हर काम देश की नींव रखने में मदद करेगा। मुझे लिखकर बताना तुमने क्या निर्णय लिया। तुम्हारे जैसे युवा का जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। मोहनदास करमचंद गांधी, साबरमती, 1948। धन्यवाद। इस बापू के घर का सिर्फ दो ही मतलब थे कि जो उनके आदर्शों पर पहले चल चुका था और उन्हें कोई जवाब चाहिए था, तो उनके आदर्शों के थ्रू, उनके सिद्धांतों के जरिए ही उनके जवाब दे सकते थे। हमने जवाब देने की कोशिश करी जो उनके मन में थे और हम उम्मीद करते हैं कि गांधी जी के सिद्धांत, उनके विचार आगे समाये थे, अगर हम उनको धारण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और चूंकि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की दोनों की जयंती है, लेकिन शास्त्री जी ने भी कहा था कि संग्रह ना करें, जो कि गांधी जी का भी सिद्धांत है, उनके विचार, तो ये जितनी